स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 11 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 एंड टुडे वी डिस्कस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। जी हाँ, पहले 10 एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट की टेबल चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जब मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें भी थी, लेकिन यहां भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है एच। ठीक है, मैंने क्या बताया, पहला जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, हाइड्रोजन, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। अब याद करो, प्रीवियस वीडियो नंबर 10 में मैं बता के आ चुका हूं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उस एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर फर्स्ट सेल में रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे डॉट लगाकर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर शो कर दिया। ये जो मैंने अंदर रेड कलर के साथ सर्कल बनाया, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस, बात समझ में आ रही है। और ये जो मैं ब्लैक कलर से मैंने सर्कल बनाया, ये सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, समझ में आ रही है। ये जिसको हम बोलते थे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो जो मैंने रेड कलर से अंदर बनाया वो न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करेगा, और जो सर्कल मैंने ब्लैक कलर से बनाया वो शेल रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर आप याद करो तो हम हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1H1, मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, इसमें प्रोटॉन भी 1 होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 0, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, प्रोटॉन कितना है, 1। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका मास नंबर भी क्या है, 1। बस उनमें डिटेल क्लियर हुआ। और अगर बात की जाए इसकी वैलेंसी की, तो इसकी वैलेंसी जो निकल के आएगी, वो वैलेंसी निकल के आएगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लॉस। तो इसकी वैलेंसी क्या निकल के आई, 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट क्लियर होगा अबाउट हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन के बाद सेकेंड एलिमेंट आता है हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हम इसको जनरली लिखते हैं ऐसे 2-4, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, जेड से, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से। तो इसका एटॉमिक मास हुआ 4 और एटॉमिक नंबर हुआ 2, हीलियम, समझ में आ रही बात। तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं ठीक है सिंपली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देता हूं, पूरे सर्कल में कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो, यहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। सो इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम के पास, 2। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे 4-2, इट इक्वल टू 2। समझ बात, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, A-Z, वो क्या निकल के आता है, 2। तो न्यूट्रॉन भी कितने हुए, 2। वैलेंसी की अगर बात की जाए तो वैलेंसी इसकी आती है 0। वैलेंसी क्या आएगी, 0, मतलब ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना ही अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन तभी करता है या शेयर करता है, तभी करता है जब वो स्टेबल नहीं होता। ये तो स्टेबल है क्योंकि इसका पहला सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, एक ही सेल है और वही आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल या तो कंप्लीटली वेकेंट होना चाहिए या कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n2 फॉर्मूला लगाइए, 2n2 वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि फर्स्ट सेल है तो n क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 into 2 2। तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इसमें है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसलिए ना तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ना ये गेन करेगा, ना ये शेयर करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए ये ऑलरेडी स्टेबल है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन था ना, वो एक प्रोटॉन कहां होगा, वो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें देखो 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन है, बस मेरे। तो मैं हर एक में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं यहां पर ही बता पा रहा हूं आपको, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है हमारे पास लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। हम इसको लिखते हैं जनरली ऐसे 3-7, बस मेरे, क्या लिखते हैं, 3-7। So, इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, सॉरी एटॉमिक मास क्या हुआ, 7।
एटॉमिक नंबर क्या हुआ 3, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, प्रोटॉन कितने हुए 3, बट न्यूट्रॉन कितने आए 7 - 3 इट बिकम 4, तो न्यूट्रॉन कितने आए 4। वैलेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है वो चेक करना पड़ेगा, तो देखो मुझे इसके कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर देता हूं फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए मैंने फर्स्ट शेल में, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसका सेकंड शेल में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आएगी 1 लोस, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लोस करेगा। सो अब आपको आई होप ये अब चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास बेरिलियम, एटॉमिक नंबर होता है 4, लिखते हैं हम इसको ऐसे 4 और 8, हालांकि ये जो मैं मास नंबर लिख रहा हूं ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि मास नंबर पॉइंट्स में होते हैं, बट हम रैंडमली इनको ले सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट आता है तो इसका एटॉमिक मास हुआ 8, एटॉमिक नंबर हुआ 4, इलेक्ट्रॉन हुए 4, प्रोटॉन भी कितने हुए 4 और न्यूट्रॉन भी कितने हुए 4, बस समझ आ रही है। तो अब हम बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन को शो करने की, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं फर्स्ट सेल में के सेल में, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं सेकंड सेल में एल सेल में, तो ये हो गई इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। रही बात वैलेंसी की, तो ठीक है वैलेंसी, वैलेंसी क्या आएगी ये 2 लॉस करेगा और अपने सेकंड सेल को कंप्लीटली वेकेंट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी वगैरह किसकी, बेरिलियम की। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर आता है हमारे पास बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, सो हम इसको लिखते हैं ऐसे 5 10, सो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 10, एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ 5, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, प्रोटॉन कितने हुए 5 और न्यूट्रॉन कितने हुए 10 - 5 इट इज 5, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैं 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में शो कर देता हूं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन यहां सेकंड सेल में शो हो गए, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 3, इसके नंबर ऑफ सेल कितने हुए 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, प्रोटॉन कितने हैं 5, एटॉमिक नंबर कितना है 5, मास नंबर कितना है 10, न्यूट्रॉन कितने हैं 5, तो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी आएगी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा लोस। आई होप आपको ये भी अब क्लियर होगा। बोरोन के बाद आता है कार्बन, बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सो इसको हम लिखते हैं ऐसे 6 12, क्या लिखते हैं 6 और 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 12, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 6, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, प्रोटॉन कितने हुए 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हुए 6। रही बात इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे फर्स्ट सेल में और बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सेकंड सेल में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए सेकंड सेल में एल सेल में, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, तो इसके लिए दोनों काम, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी स्टेबल हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल हो सकता है ना, बट ये ना तो 4 लॉस करता ना ही 4 गेन करता, क्यों नहीं करता, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही मिल पाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं इसकी जो वैलेंसी आएगी ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना लॉस करता है ना गेन करता है, ये शेयर करता है, तो समझ में बात, तो ये फर्स्ट 6 एलिमेंट शायद आपको क्लियर होंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी से इनको कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट 4 एलिमेंट और डिस्कस करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है 714 के साथ, सो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 7, 14 - 7 = 7, इलेक्ट्रॉन हो गए 7, प्रोटॉन भी 7, एटॉमिक मास इज 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 7। वैलेंसी की बात करेंगे बाद में, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे और बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड सेल में आ जाएंगे, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन,
फोर्थ इलेक्ट्रॉन और कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो सेकंड सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ सेल टू होते हैं, के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंसी आएगी, ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, थ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा ये गेन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फाइव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव, तो इसे पांच लॉस करके जीरो करने हैं, ये तीन गेन करके आठ बनानी है। कौन सा टास्क इजी है, थ्री गेन करके एट इलेक्ट्रॉन करना और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना, वो ज्यादा इजी है, इसलिए नाइट्रोजन थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फाइव इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, एटॉमिक नंबर होता है एट, मीन टू से इसका एटॉमिक नंबर होता है एट और मास नंबर होता है 16। सो इलेक्ट्रॉन भी इसमें एट होते हैं, प्रोटॉन भी एट होते हैं, न्यूट्रॉन भी एट होते हैं, एटॉमिक मास इसका जो होता है वो होता है 16 और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है इसका 8। वैलेंसी की बात करें बाद में, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लेते हैं। तो इसके पहले सेल में तो आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे हुए छह इलेक्ट्रॉन, आठ में से दो इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में आ गए, बाकी सिक्स इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड सेल में आ जाएंगे। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारे पास सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, सेकंड सेल में, एल सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो वैलेंसी निकल के आएगी वो क्या आएगी, ये टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा क्योंकि इसे छह लॉस करके जीरो करने हैं या दो गेन करके आठ बनाने हैं, और दो गेन करके आठ कंप्लीट करना, अपने वैकेंट वैलेंस सेल को कंप्लीटली फिल्ड बनाना ज्यादा इजी है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आएगी, टू गेन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, और हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 918। क्या लिख सकते हैं, 918। बात समझ आ रही है आपको, तो 918 की बात करें तो मतलब इसमें जो है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में आ जाएंगे, बाकी बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7। सो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7, तो मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए इसके 7, और इसकी वैलेंसी जो आएगी ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। रही बात एटॉमिक मास की, 18 है मास, एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, प्रोटॉन भी 9 है और न्यूट्रॉन भी इसके 9 आते हैं। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, जनरली हम इसको लिखते हैं 10, 20। सो इसमें एटॉमिक मास हो गया इसका 20, एटॉमिक नंबर हो गया 10, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन भी 10 और न्यूट्रॉन भी इसमें आए 10। अब मैं 10 को कैसे फिल करूंगा, सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसका वेकेंट सेल, सॉरी इसका वैलेंस सेल जो सबसे बाहर वाला सेल है सेकंड सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं और 8 ही है, सो कंप्लीटली फिल्ड है। सो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 0, मींस ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता, क्योंकि फॉर्मूला लगाओ 2n2, n होता है नंबर ऑफ शेल, सेकंड सेल, सेकंड मतलब n क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, सो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और 8 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये कंप्लीटली ऑलरेडी फिल्ड है, इसलिए ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता, ना गेन करता, ना ही लॉस करता, ये ऑलरेडी स्टेबल होता है। सो आई होप आपको फर्स्ट 10 एलिमेंट, उनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी वगैरह क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।